आज तो बच गए बड़े साले जी, अगर मैं वक्त पर बत्ती नहीं बुझाता तो आज हमारी इज्जत की बत्ती गुल हो जाती और वो कमीना पता नहीं हमारा और क्या हाल होता। जनाना की तरह हमरे सामने बात मत करो जीजा, किस्मत हमारी अच्छी नहीं थी, किस्मत कुत्ता की अच्छी थी। एक तो कमिश्नर का घाटा, दूसरा हमरे मुन्ना की सगाई का सवाल था, नहीं तो उसी जगह इतना छोटा छोटा टुकड़ा करता हम उसका कि उसे घर वाला गिनते गिनते मर जाता। भैया भैया, मुन्ना तू ठीक तो है ना? क्या हुआ भैया? ये देखो, अरे बड़े साले जी ये तो खून के धब्बे, अरे बड़े साले जी ये तो हर तरफ नहीं खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। कमाल, जगो। मालिक ये सब कहा है, किसका हरकत है ये? पता नहीं काली बाबू, ये धब्बे हम पहली बार देख रहे हैं। और आंखें बंद करके सोता है, आंखें बंद करके सोता है। बड़े साले जी, बड़े साले जी, ये कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पावर का फेलियर हुआ है। ए, देखो बत्ती को क्या हुआ है, जा। कायर की तरह हरकत करता है जीजा। बड़े साले जी ये तो छोटे साले जी का पुतला है ना, तो कोनो चिंता मत करना, हम समझ गए सब कुत्ता का हरकत है। लगता है वो कभी ना सिर्फ हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरा नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। अरे बड़े साले जी ये उसी का है, ये उसी का है, उसी का है। बको, कब तक इस तरह भागते रहोगे काली? अपने जुबान से अपने जुर्म कबूल कर लो, वरना शीशे पे लगे जो कच्चे रंग के निशान देख रहे हो ना तुम, वो खून में बदल जाएंगे और पुतले की जगह तुम्हारे अपने मुन्ना की लाश होगी तुम्हारे घर में। चुप, भेज रहा दीवारों पे खून जैसा निशान बना देने से या चार छोकर लोग को साथ में जमा कर लेने से कोई गुंडा नहीं हो जाता। हम पिछले 15 साल से बिना दीवारों पे खून उड़ाए खून करते चले आ रहे हैं, समझो? तो ठीक है, समझ लो कि आज से जंग शुरू हो गई है। अपने मुन्ना से बहुत प्यार करते हो ना तुम, आज के बाद अपने मुन्ना को बिल्कुल मुन्ने की तरह बचा के रखना, और हां उसका इंश्योरेंस भी निकलवा लो, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। देखो मुन्ना, जब तक हम उसकी चिता इन हाथों से जलाना दें तुम बाहर नहीं निकलोगे, हैं? समझ गए? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काली ने बाली को बंगले के अंदर छुपा रखा है, बंगले के बाहर काफी बंदूकधारी पैरा दे रहे हैं, हमारा बंगले के अंदर जाना नामुमकिन है, इसलिए हमें किसी भी तरह बाली को बंगले से बाहर निकालना होगा। सर एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उसका बंगला खरीद ले तो वो खुद ब खुद सड़क पर आ जाएगा। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। सर क्या? बंगला खरीदोगे? तुम अपने आप को क्या समझते हो, टाटा या बाटा की औलाद? नहीं तो सर। अपना आइडिया अपने पास रखो और मेरी सुनो। जी। सर। जब तुम लोग मुझे श्री देवी जी की आवाज निकालकर बेवकूफ बना सकते हो तो बाली क्या है यार? मैं समझ गया सर। गुड, अब तुम लोग मैदान में उतर आओ और दिव्या तुम अपने घर जाओगी। घर? हाँ, तुम हमारी जासूस बनकर अपने घर में रहोगी और पुलिस की हर चाल के बारे में हमें बताती रहोगी ताकि हम काली के साथ अपनी चाल बराबर चलते रहें। बनवारी होशियार है, जगो। जीजा गोली मारूंगा। अरे जीजा मैं हूं मैं। अरे साले जी कितनी बार कहा यूं चौंकाया मत करो, हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? अरे हद होगी ये डरने की भी, 3 दिन से मैं इस घर से बाहर नहीं निकला हूं, मेरा दम घुटता है इस कैदखाने में, कब तक मुझ पर ये पहरा लगा रहेगा? हाँ कब तक? हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाने से ये कैद बेहतर है, उस छोकरे के सर पे खून सवार है, वो हम में से किसी को भी अटका सकता है। जब तक बड़े साले जी उसका क्रियाक्रम नहीं कर देते मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता।
हेलो हाँ हाँ बड़े साली जी बोलिए जीजा। हाँ हमारा मुन्ना जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दिया जाए, उसको कैद में रखने का कोई जरूरत नहीं। अरे बड़े साली जी आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। जीजा हमारा नाम काली है, जवान भी काली है हमरी, हम जो कह देते वो हो जाता है। हमने कहा था ना उस करण को ठिकाने लगा देंगे, उस कुत्ते का लाश हमारे सामने पड़ा तड़प रहा है। वाह वाह, अरे वाह वाह बड़े साले जी वाह वाह। अरे ये खुशखबरी सुनाकर आपने तो हमारे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। जाने दो। अच्छा, हाँ ओके ओके। छोटे साले जी, छोटे साले जी, अरे ये ले जाबे छोटे साले जी, चल भाग यहाँ से भाग। अरे छोटे साले जी, गुस्सा थूक दो छोटे साले जी, और जहाँ जाना चाहो जाओ, अब कोई रोक टोक नहीं है। अरे वो कुत्ता कुत्ते की मौत पर आ गया, बड़े साले जी ने उसका काम तमाम कर दिया। सच? अब जश्न करो, खाओ पियो नाचो गाओ, मौत जो करना है वो करो। ये क्या म्यूजिक लगा दिया हा? इस पे हम सब डांस करेंगे क्या? ये सब लोग नहीं, बाली सिर्फ तू डांस करेगा। अच्छा हाँ बाली, डांस का वैसे भी तुझे बहुत शौक है ना, इस संगीत पे जरा कत्थक करके दिखा दे। कत्थक के बच्चे? अबे क्यों खाओ का गुस्सा हो रहा है, ये तो तेरा खानदानी पेशा है। सुना है अमीना भाई के कोठे पे तेरी माँ भी मुजरा क्या करती थी। आराम करते, अब तेरे दोस्त की तरह तेरी जिंदगी भी। हाय मुन्ना। नहीं भैया नहीं, इस कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी माँ को गाली दी है। ऐसा का गलत कह दिया इसने, तेरी हरकत देख के तो इसकी बात ठीक ही लगती है।